नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली जो यूपी पेट की परीक्षा है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की हमारी 5वीं कक्षा है। इसके बाद 2 उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स की कक्षा आएगी। 7 कक्षाओं में हम पूरे 6 महीने के करंट अफेयर्स को संकलित कर लेंगे और जो उसके मुख्य मुख्य आधार है उनको ले लेंगे, ताकि परीक्षा में जो प्रश्न आए मैक्सिमम प्रश्न उसमें आपको मिल जाए। यह हमारी 5वीं कक्षा है। पिछली हमने कक्षा में बात किया था अभियान और ऑपरेशंस की। इसमें हम बात करेंगे योजनाओं और परियोजनाओं की। जनवरी 2023 से सितंबर 2023 तक जितनी योजनाएं परियोजनाएं सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण आयोजित की गई है, उन पर यह हमारी कक्षा बेस्ड है। आइए इस कक्षा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहली योजना, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल। भारत सरकार के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई को यह मेरा गांव और मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जो योजनाएं परियोजनाएं पूछी जाती है, या तो पूछ लेगा किससे संबंधित है, या तो पूछेगा कि किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जा रही है। तो जो मेरा गांव मेरी धरोहर योजना है, वो संस्कृति मंत्रालय जो केंद्र सरकार के अंतर्गत, उसके द्वारा आयोजित की गई है। लक्ष्य क्या है? देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गाँव का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। सांस्कृतिक मानचित्रण करने के लिए मेरा गाँव मेरी धरोहर पहल संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें हमारे देश के 6.5 लाख गांवों की जितनी संस्कृतियां हैं उनको विकसित किया जाए, उनका मानचित्रण किया जाए। अगला है व्यसन मुक्त अमृतकाल। व्यसन मुक्त मतलब हम नशा मुक्त रहेंगे, किसी भी व्यसन से मुक्त होंगे, वैसा ही हमारा अमृतकाल होगा। ये भी एक योजना है। हाल में बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा राष्ट्रीय अभियान व्यसन मुक्त अमृतकाल शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य भारत के बच्चों को तंबाकू और नशीले पदार्थों से मुक्त करना है। कैसे आप मुक्त कर सकते हैं? आप तंबाकू और नशीले पदार्थों को बनाना ही बंद कर दीजिए, अपने आप चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक तरफ आप अभियान चला के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और दूसरी तरफ इन सारी चीजों को आप प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस वर्ष तंबाकू निषेध दिवस की थीम है हमें भोजन की जरूरत है तंबाकू की नहीं। यह भी प्रश्न पूछेगा कि जो 2023 है तंबाकू दिवस मनाया गया है, उसकी थीम क्या है? मई में मनाया जाता है, तो थीम इसकी क्या है कि हमें भोजन की जरूरत है तंबाकू की नहीं। समृद्धि योजना, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागर समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया है। यह एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली है, जिसका उद्देश्य बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय की अपशिष्ट से धन पहल में तेजी लाना है। जो अपशिष्ट है उससे धन कैसे लाया जाएगा, इसके लिए यह चलाया गया अभियान है, जिसका नाम सागर समृद्धि योजना है। अगला, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना। क्रेडिट गारंटी योजना है, जिसका नाम निधि ट्रस्ट योजना है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए है। केंद्रीय लघु कुटीर और मध्यम उपक्रम मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल को मुंबई में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट योजना को लॉन्च किया है। योजना में किए गए संशोधनों में न्यूनतम गारंटी शुल्क को 0.37% प्रतिवर्ष के स्तर पर लाते हुए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण गारंटी हेतु गारंटी शुल्क में 50% तक की कमी की गई है। साथ ही गारंटी शुल्क की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। इसमें पूछ सकता है कि जो क्रेडिट गारंटी योजना लागू की गई है, जिसका नाम निधि ट्रस्ट योजना है, उसमें जो क्रेडिट है वो कितना बढ़ा के कर दिया गया है? 2 करोड़ रुपए से बढ़ा के 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। योजना आयुष्मान भव कार्यक्रम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आखिरी छोर पर मौजूद व्यक्तियों समेत हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को यथासंभव आपूर्ति कराने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना है, जो अंतिम छोर पर लोग खड़े हैं वहां तक भी जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको पहुंचा देना इस योजना का लक्ष्य है। आयुष्मान आपके द्वारा 3-0, आयुष्मान सभा, आयुष्मान मेला, आयुष्मान ग्राम कार्यक्रम के तहत नियोजित कुछ गतिविधियां हैं। यह गतिविधियां होगी, आयुष्मान सभा होगी, आयुष्मान मेला लगेगा, आयुष्मान ग्राम कार्यक्रम होगा। इस अभियान का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक और पूर्ण विस्तार सुनिश्चित करना है, ताकि हर पात्र लाभार्थी लाभ उठाने में सक्षम हो जाए। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना क्या है? 2 से 28 जून 2023 को
पीएम प्रणाम योजना क्या है। 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम प्रणाम धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना को मंजूरी दी गई है। अगला हमारा है मिशन MAHIR, यह क्या है। 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और भारत बाहर तैनाती है तो स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन MAHIR, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च शुरू किया गया है। वर्ष 2023 से 28 तक 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलने वाली यह योजना उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। बिजली मंत्रालय के द्वारा यह चालू की गई योजना है जिसमें हम बिजली में हो रहे तकनीकी सुधार को समझेंगे, उसको लागू करेंगे। नमो सेतकारी महासम्मान योजना, नमो सेतकारी महाराष्ट्र सरकार, नाम से ही है, मराठी नाम है, किसानों के लिए इस योजना को चालू किया है। 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाएगा। अगली योजना हमारी है मिष्टी योजना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून को विश्व पर्यावरण क्षमा चाहेंगे अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस 5 जून 2023 को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अमृत धरोहर और मिष्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इस योजनाओं का उद्देश्य क्या है? जो भारत की वेटलैंड है और मैंग्रोव है उनको पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जो हरित भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देता है। जो हमारा भविष्य होगा हरित होगा, हरा भरा होगा और हरित अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देगा। केंद्र सरकार परियोजना लागत का 80% वहन करेगी जबकि राज्य सरकारें शेष 20% का योगदान देगी। ये तो ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो अमृत धरोहर एवं मिष्टी योजना है उसके तहत जो पैसा खर्च होगा उसमें केंद्र सरकार पूरा पैसा देगा, राज्य सरकार पूरा पैसा देगा, या केंद्र का कुछ हिस्सा रहेगा, राज्य का कुछ हिस्सा रहेगा। तो ये जो हमारी अमृत धरोहर और मिष्टी योजना है इसमें सेंट्रल का हिस्सेदारी 80% और रिलेटेड स्टेट कितने देंगे जो उससे संबंधित राज्य होंगे वो 20%, टोटल हमारा कितना हो गया 100% योजना हो गई। अटल इनोवेशन मिशन को ATL सारथी की शुरुआत। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। गठन कब हुआ था इसके बारे में सर्च करिएगा। अटल टिकरिंग लैब्स के बढ़ते पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा ATL सारथी को 14 मार्च को लॉन्च किया गया है। अब तक AIM ने अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्त पोषित किया गया है। ATL सारथी के 4 स्तंभ हैं जो नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से ATL के प्रदर्शन में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि एक स्व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसमें MyATL डैशबोर्ड के रूप में जाना जाता है। मणिपुर में शांति समिति का गठन 10 जून को हुआ। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया है। किसकी? राज्यपाल जो अनुसुईया है उनकी अध्यक्षता में। समिति के सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन जी हैं, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं। समिति के अधिकार क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जातीय समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है। हेतु एक न्यायिक आयोग बना है। 2 आयोग बने हैं मणिपुर की हिंसा में शांति के लिए, वहां राज्यपाल जो है अनुसुईया उनकी अध्यक्षता में बना है, और जो मणिपुर हिंसा की जांच हेतु जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। मणिपुर में 3 मई को के पश्चात हुई हिंसा घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन केंद्र सरकार ने 4 जून को किया है। 1 महीने बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कौन है इसके अजय लांबा की अध्यक्षता में, अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित किया गया है। 2 अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल है। ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा, जो आयोग जितने हैं, जांच समितियां हैं, उस पर बेस्ड है। आपको ये हमारी कक्षा कैसी लगती है? फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।